रिस्ट्रिक्शंस जो हैं आज से ईज होने वाली हैं इन कैनेडा, तो इट्स अ गुड न्यूज़। आज का जो प्लान है वो इस तरह है कि अभी हम थोड़ा करेंगे नाश्ता एंड आई डोंट नो लेटर ऑन हम कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, बट जहाँ भी जाएंगे आपको लेके जाएंगे। मेयर की डिमांड पे उसके लिए बन गया है ब्रेड जैम, हम लोग खाएंगे ब्रेड पकौड़े। तो बस अब वो उसका हरगड़ी यही है कि चप्पल चप्पल चप्पल। यार ये चाय कितनी थोड़ी बन गई है? डिसाइड ये हुआ है कि पहले चलेंगे कार्टर सोश कुश और वहाँ से कुछ देखते हैं मेयर के लिए अंडर शर्ट्स वगैरह। कोई ना, बहुत सामान थोड़ी है। सो यू लाइक दिस चप्पल में है? कैन यू शो इट, कैन यू शो इट टू पीपल? हेलो जी, ये चप्पल रेनबो चप्पल पसंद आ गई है मेरे को, ये उठा ली हमने। ठीक लग रही है यार। ये फाइनल हुई है। तो जी हम आ गए हैं यहाँ पे डॉलरामा पे, क्योंकि अभी अभी याद आया मुझे कि हमें सोलर लाइट्स लेनी है फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड में लगाने के लिए। तो चलो अब डॉलरामा चलते हैं और लेते हैं लाइट्स। ये लो जी मेहर, मेहर वैसे भी बॉय लग रही है, बड़ी आ गई है टी शर्ट, चेंज करनी पड़ेगी। ये आई है आज कार्टर से, ये हमने लाइट्स। हाँ अभी करा के आनी है? नहीं। और ये लाइट्स लिए हमने गार्डन के लिए, पांच जो हैं ये वाली और पांच जो है ये ब्लू कलर वाली। अभी डिसाइडेड नहीं है कि कैसे लगानी है, तो ठहर के करेंगे डिसाइड और फिर लगाएंगे। तो गाइस इस टाइम पे बज रहे हैं शाम के 4 और अभी भी बहुत अच्छी धूप है और थोड़ी सी गर्मी है। तो अब हम आके बैठे हुए हैं इन द बैकयार्ड, और क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, गर्मी है धूप है, तो प्लान बन गया थोड़ा सा स्विमिंग करने का, स्विमिंग पूल लगाने का। तो मेहर वांटेड टू डू सम स्विमिंग एंड हैव फन इन द पूल। सो पूल रेडी हो रहा है, पानी भर रहे हैं हम और मेहर रेडी हो रही है स्विमिंग के लिए। मेहर यू गेटिंग रेडी टू स्विम? मेहर आ गई अपने स्विमिंग गियर में और टाटा। मैंने ऑलरेडी जो है पूल रेडी कर दिया था, हरप्रीत सेट के पहले कर देते हैं। एंड थोड़ी देर में मेहर को याद आ गया, मेहर कहती कि आज तो हॉलीडे है और आपने बोला था कि स्विमिंग करनी है, खुश हो गई है। यू हैविंग फन मेयर? वेरी गुड। तो क्योंकि आज हम कहीं गए नहीं हैं तो यहीं पे अच्छी खासी आउटिंग हो रही है हमारी। बीच पे जाओ तो वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है, आपको ख्याल रखना पड़ता है, मास्क पहनने पड़ते हैं। हमने अपने घर में ही बीच का इंतजाम कर लिया है। क्यों? We should also go and sit in the pool. हाँ मैं तो नहीं जा रहा, आपने जाना जाओ। मैं अकेली क्यों, मेयर है। अब हमने प्लान किया है कि अब यहीं पे चाय नाश्ता करेंगे शाम का। क्या खाना है? और रात को कुछ मंगाना हुआ तो मंगा लेंगे, लेकिन शाम को यहीं पे बैठ खाते हैं। क्या खाना है पहले बताओ, मैं बनाऊँ कुछ। चिकन चुकन बना लो या कुछ स्नैक्स बना लो।
और फिर अभी हम सोच रहे हैं कि एक्चुअली मेरा ये प्लान है कि अब इस समर में बारबेक्यू भी ले आते हैं, तो बारबेक्यू, लेकिन मुझे नहीं पता कि हमें 2 बर्नर इनफ रहेगा या 3 बर्नर 4 बर्नर कैसा होना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ जो जो बारबेक्यू यूज़ करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं प्लीज़ सजेशन दो कि कौन सा लेना ठीक रहेगा, ब्रांड, हाउ मेनी बर्नर्स और स्पेस वाइज। स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन की कैपेसिटी जो होती है उसकी, बर्गर कैपेसिटी लिखी होती है उस पर 18 बर्गर 12 बर्गर। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सा वाला लेना चाहिए, कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए और कितने बर्नर वाला लेना चाहिए जो कि रीजनेबल रहे, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा। मेरे ख्याल से 2 बर्नर वाला ठीक है हमारे लिए, मेरे ख्याल से 2 बर्नर ठीक है क्योंकि हमारे हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने कभी यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम लेंगे हम। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कौन सा लेना चाहिए। बस देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, है ना, कि अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो समझ में आएगा कैसे होता है, है ना। मैं कह रहा हूँ मेयर को कि चलो अब अंदर चलें, लेकिन मेयर का मूड ही नहीं है। मैं इसको कह रहा हूँ चलें अंदर, तो इसका मूड ही नहीं है, कह रही है नो। मम्मा क्या कर रही है मेयर? Are you making something? Yeah. What? Khire tomato wala sandwich. All right. Okay, sandwich ban rahe hain. Achha. Ab isko bola, sandwich ban raha hai to keh rahi hai I am hungry. Time ho gaya ab sandwich ka. Sandwich ready hai aur Mehar kha rahi hai sandwich. गोरा मेरा सैंडविच एंड लुक लुक हाउ मेनी सैंडविच में हरप्रीत है। आई एम नॉट ईटिंग ऑल ऑफ देम, मैं सबके लिए पकड़ के बैठ। जिसकी प्लेट में जितने हैं उतने वो खा रहा है, देखो वो मैं खा रहा हूँ, ये मेहर की प्लेट है, एक सैंडविच है और वो देखो। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। हाँ या देखो जी, क्योंकि मैं ये एक ले आया था तो ये मेहर लेफ्ट आउट फील कर रही थी, तो आज ये छोटा है ये भी ले आई अपने लिए, ये भी वाटर करेगी प्लांट्स को, बट वी विल वाटर इट इन द इवनिंग मेहर, ओके। हाँ वेरी नाइस। सॉरी गाइस अगर पीछे टीवी की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेहर जो है ये एक ऐसी इंसान है हमारे घर की जो बिना टीवी के कुछ नहीं करती है। हाँ ओके, तो फेज वन में हुआ है आउटडोर गैदरिंग साइजेस ऑन अ प्राइवेट प्रॉपर्टी 2x10%। जो गैदरिंग है वो 25 तक है, और पर्सनल सर्विसेज जैसे कि जिम्स भी ओपन हो गए हैं गाइस। जो लोग अपना क्या कहते हैं, जो एक्सक्यूज लेके बैठे हुए हैं कि यार जिम्स बंद है हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, मेरी तरह जो है जो सिर्फ अपना पेट बना रहे हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है। एंड ऑल दीस प्लेसेस आर ओपन फॉर 50% कैपेसिटी ओनली एंड ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस। या And restaurants and bars are reopened for 25% indoor and 50% outdoor patio capacity. Okay. And indoor faith-based services are an organized gatherings resumed to 25%. So faith-based. जिसमें कि अपना गुरुद्वारा साहब का आ गया है कि आज ही एक पोस्ट देख रहा था मैं फेसबुक पे कि यहाँ पे जो हमारे नजदीक में जो गुरुद्वारा साहब है वहाँ पे 3 बजे सुबह 3 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो है अलाउड है, बस बैठना नहीं है, मत्था टेको और जाओ। That's right. और आउटडोर फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 50% उसमें 50 लोग जा सकते हैं। हाँ। और आउटडोर वेडिंग वेडिंग्स एंड फ्यूनरल्स 25 पार्टिसिपेंट्स ओनली। या स्विमिंग पूल्स एंड ऑल भी ओपन हो गए हैं 25% कैपेसिटीज पे। इंडोर डांस म्यूजिक थिएटर
लिमिट टू 5% विद नो टूर्नामेंट्स अलाउड. टूर्नामेंट्स नहीं है बट मुश्किल है. बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि जो लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, जिनको नहीं लग रहा है सेफ, अगर वो रिज्यूम नहीं करेंगे काम तो ये बिजनेसेस काम नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं मगर पर्सन हु वर्क्स देयर इज़ नॉट फीलिंग सेफ एंड डजंट वांट टू रिपोर्ट टू द वर्क, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. बिकॉज अगर आप सेफ्टी देख रहे हैं और नहीं जाना चाहते काम पर तो बिजनेसेस कैसे चलेंगे. मैंने किसी का पोस्ट एक रेड भी किया है कि उन्होंने लिखा है कि रेस्टोरेंट्स डू नॉट हैव इनफ पीपल टू ग्रीट एंड सर्व द कस्टमर्स एंड टू कुक द फूड एज वेल. सो इट मींस दैट पीपल आर नॉट ऑब्वियसली फाइंडिंग इट. लोगों ने कोई और जरिया भी ढूंढ लिया काम करने का बिकॉज जब रेस्टोरेंट्स बंद थे देन पीपल वांट फूड. तो यही बात है कि अब लोगों को लग रहा है कि अब पहले जैसे गवर्नमेंट कह रही थी कि सेफ नहीं है मत जाओ बाहर, तो अब उनको ये विश्वास करना औखा हो रहा है कि भाई अब सेफ कैसे है. क्योंकि कई लोगों ने टू बी ऑनेस्ट कई लोगों ने फिर भी ये किया हुआ है कि दे आर नॉट गेटिंग वैक्सीनेटेड, दे आर नॉट रेडी टू गेट वैक्सीनेटेड फॉर देयर ओन रीजंस. मुझे कोई ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, अपनी अपनी जगह पर सब सही हैं. क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या दे रहे हैं. और ऑब्वियस है अभी किसी को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि इस दवाई का क्या असर है, लॉन्ग टर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा. अभी तो सब भगवान भरोसे ही है. तो ये थी न्यूज़. दिस इज द फेज 1 ओपनिंग एंड गवर्नमेंट इज सेइंग दैट द फेज 2 ओपनिंग विल बी ऑन अगस्त 2nd. बट इट आल्सो डिपेंड्स, इट मे चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड बाय दैट टाइम. माय इंडिगो या रॉयल पान? तो अब डिसाइड करना है गाइस, रॉयल पान या माई इंडिगो. जो लोग विनीपेग में हैं कनाडा में हैं या विनीपेग में नहीं भी हैं और कनाडा में हैं वो लोग बताना कि कौन सा बेस्ट है, रॉयल पान या माई इंडिगो. दोनों स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर हैं और दोनों इंडियन फूड अच्छे हैं. तो बताना आप लोग कमेंट करके कि कौन सा फूड आपको पसंद है, किस रेस्टोरेंट का पसंद है. हम विनीपेग में रहते हैं, मुझे रॉयल पान ठीक लगता है मगर मेरा चाइनीज़ के साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था. और माइंडिगो के साथ मेरा एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही है, लेकिन मुझे उसकी क्वांटिटी जो है वो कम लगती है. सो गाइस डिसीजन हमारा हो गया है, एक रेस्टोरेंट है जो हम फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज, उसका नाम है स्पाइस एंड रूट. हरप्रीत को पता है एड्रेस, मुझे नहीं पता है, अभी देखते हैं रास्ते में. और उससे पहले जो है हम लोग जाएंगे और मेहर के लिए हैप्पी मील कलेक्ट करेंगे, वो लेने के बाद हम अपना ऑर्डर कलेक्ट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या मंगवाया है और क्या खा रहे हैं हम. ठीक है, मेहर लगी हुई है जी अपना एज यूजुअल अपना हैप्पी मील लेके खा रही है. ओल्ड फैशन डोनट, चिकन नगेट्स, फ्राइज एंड सॉस. हैविंग फन? हाँ जी बताओ क्या खाना है. तो आज हम खाने वाले हैं, सबसे पहली आइटम इज वेज बिरयानी. वेज बिरयानी, वाह वाह वाह. पनीर लबाबदार. पनीर लबाबदार, थोड़ा सा पनीर इलाके तो दिखाओ, मेरे को नजर नहीं आ रहा. पनीर हैगा भी है? हाँ है भी. कैसे हैगा अभी? पनीर लबाबदार एंड वेज मंचूरियन. और वेज मंचूरियन, सब कुछ वेज, सब कुछ वेज खा रहे हैं जी आज हम. व्हाट ब्रो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैन? तो वेज मंचूरियन, पनीर लबाबदार, वेज बिरयानी एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री राइस जो है वो हर रेस्टोरेंट में मिलती है जब आप ऑर्डर करते हैं. तो ये एक प्लेन राइस है और साथ में तुम बता रही थी कि दही या रायता. दही या शायद मैं लगा रायता ही है, मैं देख रही. देखें क्या है इसमें. आई गेस रायता ही है. रायता है शायद, वो जैसे स्वीट देते हैं क्या, खीर दी हो क्या पता. नहीं नहीं मैंने धनिया लगे हुआ लग रहा है ना. अच्छा आई थिंक ओके, ये रायता दिया है जी इन्होंने साथ में. गुड है, गुड. तो गाइस एज पर हरप्रीत तो रेस्टोरेंट पास है मगर मैं भी एक बार देख लेता हूँ ऐसा.
मंचूरियन गुड है। ठीक है, मुझे थोड़ा वही टमाटर वाला किस्सा लग रहा है, मगर गुड है। आई वुड से कि मेरे लिए भी पास है रेस्टोरेंट। अब हम खाना खाते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और आपसे मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।